morning, guys. Good morning, sir. It's a real-time experience in Java. Sir, अभी आए हैं इतनी जल्दी क्लास क्यों सर? जान पहचान बढ़ाकर बाद में शुरू करते हैं क्लास। सबका वन ईयर का एग्रीमेंट है ना, एक साल यहीं रहोगे, आराम से कर सकते हैं। यहाँ रियल टाइम एक्सपीरियंस के बारे में कितने लोग जानते हैं? हेलो हेलो यू स्टैंड अप या तुम बताओ। एक साल का अग्रीमेंट है ना सर, एक साल यहीं रहूंगा, आराम से जान लूंगा। सर तो इम्प्रेस नहीं हुआ, लेकिन लगता है लड़की हो गई। सुनो, यहाँ के फालतू जोक्स यहाँ मत सुनाओ। अरे नहीं नहीं, ये गांव वाले हैं सर, बिल्कुल फ्रेश है, सिटी के लिए अलग से लेकर आऊंगा। ये तो सेट हो रही है, हाथ से मत जाने दे संजू। हेलो, टॉक टू मी इन इंग्लिश, इंग्लिश मीडियम से ही हो ना? सर मेरा मानना है कि हम भारत में हैं, इसलिए इंग्लिश नहीं बोलना चाहिए, हिंदी में बात कीजिए। फुलटू। अच्छा, आप जानते भी हैं हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी को लुप्त होने से कौन बचा रहा है सर? हम जैसे गांव वाले लोग जो बात बात पर इंग्लिश नहीं बोलते। पता नहीं तुम जैसे को ये नौकरी क्यों और किसने दी। अपने रिज्यूमे में कितनी लैंग्वेजेस लिखी थी तुमने? तेलुगु, इंग्लिश, हिंदी। मैं कंप्यूटर लैंग्वेजेस की बात कर रहा हूँ। सर हाथ से लिखूं या कंप्यूटर में लिखूं, मुझे ये तीन ही आती है, तेलुगु, इंग्लिश, हिंदी। मैंने पूछा था C++, जावा, इनके बारे में। आई सी। जो सवाल किया है उसका जवाब दे दो, ये आई सी क्या है? अपनी हॉबीज क्या लिखी थी? मतलब सच वाली बताऊं या रेज्यूमे में लिखा है वो बताऊं? क्या अलग अलग है? इट्स नेचुरल। पहले अपनी बताओ, बाद में जो रेज्यूमे में है वो बताओ। अब गांव वाले की क्या हॉबीज होती है सर? माँ को बताकर मूवी देखना, पापा को बिना बताए सिगरेट पीना, खाली वक्त में क्रिकेट खेलना और वक्त निकाल कर लड़कियों को लाइन मारना। लेकिन रेज्यूमे में रीडिंग बुक्स, वॉचिंग न्यूज, ब्राउजिंग नेट। तुम्हारे आगे एक हम्बल रिक्वेस्ट है। इट्स ग्रांटेड। अच्छा, शादी से पहले अपनी बीवी को बता देना कि तुम कुछ अजीब हो, नहीं तो बेचारी लड़की की बलि चढ़ जाएगी। अरे शादी कौन करेगा सर? आपको पता है एक सर्वे हुआ था जिसमें इंडिया के हर 1000 लड़कों के सामने 945 लड़कियां ही बची हैं। इसका मतलब 55 लड़के ऐसे ही सिंगल रह जाते हैं और शादी ना होने की वजह से पता है वो क्या बन जाते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी, अब्दुल कलाम, नरेंद्र मोदी, रतन टाटा बन जाते हैं। और वही वो 945 लोग पता है क्या कर रहे होते हैं? क्या? कुकर की 6 सीटी बजी है या 5 ही बजी है? घर से आते वक्त मैंने गैस तो बंद किया था कि नहीं? अब और हमेशा यही सोचते हैं, मैं अपने बच्चे को होनहार बनाऊंगा, इसलिए इसे नेशनल स्कूल में पढ़ाऊं या फिर इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाऊं। इसी के साथ वो इस कंफ्यूजन में जीते रहते हैं। अब ऐसी लाइफ किसे चाहिए सर? थैंक यू। क्या तुम कल ऑफिस आओगे? आऊंगा ना सर। तो मैं नहीं आऊंगा। वो क्यों सर? हाँ बस ऐसे ही, बाय। लक्ष्मी देखो तो, गायत्री का बेटा आया है। नमस्ते आंटी। क्यों बेटा, हनुमान जी के भक्त हो? नहीं तो क्यों आंटी? बैग को पर्वत की तरह उठाकर खड़े हो, इसीलिए पूछ लिया। तो हमारे घर के घोस्ट तुम ही हो? घोस्ट? माँ घोस्ट नहीं, गेस्ट है, माँ को इंग्लिश नहीं आती। अच्छा, गेस्ट, गेस्ट। घोस्ट का मतलब भूत होता है क्या? माँ तब तो सही कहा ना मैंने, इंग्लिश नहीं आती, ऐसा क्यों कहा? सुनो बेटा। अंकल अंदर कमरे में रेस्ट कर लो, बाद में बात करते हैं। ओके अंकल। हेलो गुरु। अन्नू के घर में तुम ही आए हो ना? इधर देखो भाई, 2 साल से अन्नू से प्यार करते हैं, तुम बीच में टांग मत अड़ाओ। भूतनी के, तुम अन्नू से प्यार करते हो? तो अपनी कहानी 2 लफ्जों में बताओ। अन्नू को पहली बार मैंने कॉलेज जाते समय देखा था। ऐसे नहीं पटेगी बच्चे, कुछ और सोचना पड़ेगा। कम ऑन, थिंक ऑफ समथिंग एल्स। गिफ्ट देना पड़ेगा। हाँ ओके। बस उसे रोज देखने के लिए मैंने उसके घर के पास ये गैरेज खोल दिया। उसे जब भी गाड़ी रिपेयर करवानी होती है सीधा मेरे पास चली आती है।
अच्छा वैसे तुम्हारी कहानी में अन्नू कुछ ज्यादा इन्वॉल्व हो रही है। क्या करूं, मैं हूं ही ऐसा। अब बेटा मेरी बात सुन, ऑफिस में मैं ऑलरेडी एक लड़की से कनेक्ट हो चुका हूँ, वो मुझसे कनेक्ट हुई है नहीं बस वही देखना। अच्छा इसका मतलब तुम उसके, मेरा मतलब है कि सिर्फ फ्रेंड हो ना, और ऑफिस वाली तुम्हारी लवर है। और तुम चिंता क्यों कर रहे हो, तुम कहाँ और मैं कहाँ, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगूते। मैडम ऑर्डर प्लीज। या टू ब्लैक ऑफिस। ओके। एंड टू स्प्रिंग रोल्स। ओके मैडम। एनीथिंग एल्स मैडम? एंड टू ग्रिल सैंडविचेस। श्योर मैडम। थैंक यू मैडम। Hey, are you okay? Hey, सुन। कह दो कि ग्रिल सैंडविच नहीं है। मैं झूठ नहीं बोलता। देख भाई, हैदराबाद में नया हूँ, पहली बार किसी लड़की को कॉफी शॉप लेकर आया, एक बार मना कर। ठीक है, मना कर दूंगा। अभी मना कर देना। पहले मैं इस कॉफी शॉप में रोज एक लड़की को लेकर आता था, पर बिल पे नहीं कर पाया, इसलिए आज मैं तुम्हारे सामने वेटर की ड्रेस में हूँ, लेकिन अब कोई लवर वेटर नहीं बनेगा। सॉरी मैडम, वी डोंट हैव ग्रिल सैंडविच। ओह, दैट्स ओके। टू रेड वेलवेट केक्स। कह दे वो भी नहीं है। सॉरी मैडम, वी डोंट हैव दैट केक्स। ए, तुम कह रहे हो रेड वेलवेट केक नहीं है, वहाँ तो इतने सारे हैं। Yes, yes, we have that cakes, madam. We have that cakes. How many portion do you want? Two. Two? Yeah. Hey, tu pehle andar aa. आठ बजे पहुंचना है, 8 बजे पहुंचना, और मैं घर से निकल चुकी हूँ। मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। मेरे फ्रेंड के डैड के किडनी में स्टोन हो गए हैं, इसलिए उन्हें देखने जा रही हूँ। तुम इस वक्त बाहर जा रही हो तो मेरे दिल में स्टोन्स आ जाएंगे, जल्दी आ जाना। जी पापा। हाँ बोलना। सुनो संजू, इस वक्त कहाँ? वो ऑफिस में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई अंकल, मैनेजर बार बार फोन करके कह रहा है कि तुम्हारे सिवा उसे कोई सॉल्व नहीं कर पाएगा, तो मुझे जाना पड़ेगा अंकल। गुड। मैं जाऊं अंकल? हाँ जाओ। हाय अंकल। तुम कौन हो बेटा? अंकल संजू है क्या? अंदर आओ बेटी, आओ। हाय अंकल, रितु का घर है। आ जाओ संजू। किसी अर्जेंट काम की वजह से ऑफिस गया है। तुम्हें उससे कुछ जरूरी काम था क्या? संजू ने मेरे पापा को ब्लड दिया था, इसलिए थैंक्स कहने आई हूँ। छी, इतना घटिया झूठ मैंने कैसे बोल दिया। तुम्हारे पापा को क्या हुआ था? उनकी याददाश्त कमजोर है, ये सही है। कमजोर याददाश्त वालों को खून देते हैं क्या? एक्चुअली मेरे पापा को हार्ट अटैक आया था। ये बात वो भूल गए थे, ज्यादा सीरियस होने की वजह से ओपन हार्ट सर्जरी करवाई, तो संजू ने ब्लड दिया था। ये बात तुम्हारे पापा खुद आकर बोलते तो अच्छा लगता। उन्हें भी आना था अंकल, लेकिन वो क्या है ना कि वो बात भूल गए। हाँ मैं चलती हूँ अंकल। तो मेरे तुझे क्या काम है? उसे कुछ डाउट्स थे तो मैं क्लियर करने आया था अंकल। रितु सबके डाउट्स क्लियर करती है, और तुम रितु के डाउट्स क्लियर करने आए हो। इतना टैलेंट है क्या तुम्हारे अंदर? यस अंकल। व्हाट इज डेटाबेस अंकल? एक्सप्लेन डेटाबेस। डेटाबेस इज अ सब्जेक्ट मैटर सॉलिसिटेशन, प्लीज रीड डॉक्यूमेंट। और इज अ डेटाबेस।
तुमने जो अभी कहा वो तुम्हें भी समझ में आया क्या? अरे आपकी समझ में नहीं है? ठीक है फिर से बोलता हूँ, डेटाबेस जब इससे पहले जो कहा अगर वही कहना है तो मत कहना। ओके, व्हाट इज ओप्स कॉन्सेप्ट? इट्स अ वेरी सिली क्वेश्चन अंकल, है ना? या टेल मी, जब ये पढ़ा रहे थे ना तब मैंने क्लास मिस कर दी थी। ओप्स। What is an array? Pass. ये कोई quiz show है क्या? Pass का मतलब क्या होता है? मेरा मतलब ये pass था। जाऊं क्या? किस तरफ है? वहाँ। इस रितु को तो फोन। हाँ, इतनी दूर आकर आपने मुझे ड्रॉप किया उसके लिए थैंक यू अंकल, बाय। देखो बेटा, तुम्हारे पिताजी का हार्ट ऑपरेशन हुआ है, अब उनसे मिलकर ही जाऊंगा। एक ग्लास पानी पिला ना। ओके, डेटाबेस एंड एरे सब कुछ एक साथ ही है तो अब मुझे समझ में आ गया। आपने क्या पूछा था? हाँ, व्हाट इज एन एरे? एन एरे इज अ तो अब बताओ व्हाट इज एन एरे? अंकल बॉट, अंकल ये कौन है? इसके अंकल। और ये कौन है? अच्छा तो अब ये कौन है जिसने आपको खून दिया उसे ही भूल गए? खून दिया? इसने मुझे खून दिया? जब आपका हार्ट का ऑपरेशन हुआ था तब दिया था ना? मेरा हार्ट ऑपरेशन भी हो चुका है। क्यों रे, इन्हें भूलने की बीमारी इतनी ज्यादा? I don't know सर, क्रेजी का है। मुझे भूलने की बीमारी भी है? बहुत अच्छी बात है जी, आपको भूलने की बीमारी है ये भी भूल जाते हैं। अरे ये सब कौन है, यहाँ क्यों आए हैं? अब आपसे बोलकर क्या फायदा होगा, चलिए अंकल यहाँ से चलते हैं। अब आपसे कट। तेरा कुछ नहीं होगा। किडनी तो इनकी खराब हुई थी ना? किडनी नहीं, दिमाग खराब है। पागलों के साथ मत घुमा करो, जाके सो जाओ।